अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, सो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर आउटिंग करने के लिए बहुत दिनों के बाद, क्योंकि आज है संडे, तो संडे को तो बाहर जाना बनता है। तो चलते हैं जल्दी से बाहर, जाके कार में बैठते हैं और मैं बाहर का थोड़ा सा आपको व्यू भी दिखाती हूँ। बहुत साइलेंट माहौल है यहाँ का, बिल्कुल भी यहाँ ज़्यादा कोई होता ही नहीं है। तो चलती हूँ, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि कोई है कि नहीं। और ये देखिए, यहाँ पे एज़ यूजल कोई भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल हम लोग अकेले ही होते हैं जब भी निकलते हैं, क्योंकि हो सकता है निकलते होंगे लोग, लेकिन हमारे सामने बहुत कम होता है ऐसा कि कोई बाहर जाए घूमने फिरने हमारे सामने। अदरवाइज़ जब भी हम लोग आते हैं तो कार्स जो हैं वो नहीं खड़ी होती हैं, काफ़ी लेट नाइट ही लोग घर आते हैं वापस, जो हमारे नेबर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। ओके, सो अभी हम लोग निकले हैं किसी एक स्पेशल काम के लिए, और सबसे पहले हमने वो काम करना है। वो काम ये है कि अलमीर का जो फ़ोन है, उनका जो मोबाइल है, जी बिल्कुल हमने उनको पर्सनल फ़ोन दिया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब, उसमें सिम कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट वो गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो उनको उस फ़ोन के लिए चाहिए बैक कवर, उनको पहले भी हमने लेके दिया था, लेकिन उन्होंने उसको इस तरह से यूज़ किया, जाहिर है बच्चा है, तो फिर वो ना तोड़ दिया उसको ना, तो इसलिए अब वो काफ़ी दिनों से हमें ये कह रहे हैं कि हमें जो फ़ोन का कवर लेके दें, लेकिन ना टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, और टाइम मिलता भी था बाहर जाते थे तो हम भूल जाते थे, लेकिन आज जो है वो हमने कहा नहीं जी लेना है। तो अभी अली गए हैं इनका कवर लेने के लिए, और वहाँ से हमें नहीं मिला तो हम यहाँ एक और मोबाइल शॉप है वहाँ पे गए हैं अली लेने के लिए। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से जो है हम लोगों को मिल जाएगा कवर, क्योंकि अगर आज ना मिला तो फिर उनको वाकई बहुत गुस्सा आने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत गुस्से में घर से निकले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं, क्योंकि आपको पता है जो बड़ा बच्चा होता है वो काफ़ी ज़िद्दी होता है। मेरे छोटे इतने ज़िद्दी नहीं है जितना वो ज़िद्दी हो चुका है, तो जो वो कहते हैं वो फिर हमें करना पड़ता है। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से जो है वो उनको कवर मिल जाए, और हम यहाँ पार्किंग एरिया में वेट कर रहे हैं, और आज हम लोगों ने सोचा है कि हम खाना बाहर से खाएंगे, तो देखते हैं कि हम क्या खाते हैं। वैसे तो नॉर्मली संडे को ये होता है कि मैं घर में ही खाना बनाती हूँ, बिरयानी वगैरह, लेकिन पिछले 3-4 संडे से मैं घर में बना रही थी, तो इस दफ़ा अली ने कहा नहीं जी आज मैं आप लोगों को बाहर लेके जाता हूँ, बाहर से कुछ खिला पिला देता हूँ। तो ये कि बच्चों वगैरह को तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर से ही खाना खिला दूँ, ना इनको बाहर से मैं कुछ खिलाऊँ, तो ये तो घर में ही मैं इनको बर्गर सैंडविचेस वगैरह बना देती हूँ। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको जो है उसकी भी रेसिपी जो है जो जिस तरह से मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो अभी तो इन लोगों को मैंने खाना वगैरह खिला दिया था, और अली ने भी खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था, क्योंकि आपको पता है जब खाना वगैरह आप पकाओ तो फिर खुद ही दिल भर जाता है पकाते पकाते ही। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं बर्गर किंग, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से दिल करा था कि मैं बर्गर खाऊँ कहीं का, मैकडोनल्ड्स KFC का तो बर्गर मैंने अभी पिछले दिनों ही बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो इसलिए मैंने कहा नहीं अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ओके, तो अली जो हैं अभी गए हैं ऑर्डर करने के लिए, और ये देखिए यहाँ आते साथ ही मेरे बच्चों ने शोर शराबा मचाना स्टार्ट कर दिया है, और ये देखिए फाइनली हम लोगों को ऑर्डर जो है आ गया है आफ्टर 5 मिनट्स, और जल्दी से ही फटाफट आ गया, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। और ये एक बर्गर मेरा है, एक अली का है, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे वो कह रहे हैं ऑलरेडी। ओके, तो देखिए हम लोगों ने झटपट खा के फ्री हो गए हम लोग, और हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि वो इतना यमी बर्गर था। और ये देखिए ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये खा रहे हैं आइसक्रीम, और इनको भी यहाँ से मिला है बर्गर किंग की तरफ से एक बहुत ही स्पेशल ताज, और ये इन्होंने लड़ लड़ के जो है वो लिया है, और इन्होंने कहा है जी हम आइसक्रीम खाएंगे बस। और ये देखिए ये मेरे दोनों गोलू मोलू आ गए हैं, और ये दिन इन्होंने बैठना ही नहीं है, ये जब से आए तब से खड़े ही हुए हैं। ओके, सो गाइज अभी हम लोग यहाँ से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, काफ़ी देर हम लोग अंदर बैठे रहे, बातें शातें करते रहे मैं और अली, और हम लोगों की तो बातें पूरी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होने वाली, हम जितनी मर्जी बातें कर लें। और अभी हम और ज़्यादा बातें करने के लिए कहीं और जा रहे हैं। और ये देखिए यार यहाँ का जो व्यू है वो इतना ब्यूटीफुल है, ये हमारे घर के बिल्कुल पास है, यहाँ हम बहुत कम ही आते हैं क्योंकि हम लोग कहीं और दूर दूर जगह जाते हैं, ये हमारे घर के बिल्कुल करीब है, और आप कह लें कि वॉकिंग डिस्टेंस पे हम यहाँ आ सकते हैं, इतना हमारे घर के करीब है। तो यहाँ का व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो बच्चों ने कहा है कि जी मम्मा हम लोगों ने अब खा पी लिया है तो हम चलाएंगे स्कूटी, तो हम चलते हैं बीच पे। तो मैं कहा चलिए जी चलिए बीच पे चलते हैं सारे, हम सब लोग आज क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और अच्छा इस बीच पे ना मेरे बच्चे और अली तो बहुत आए हैं, मैं ज़्यादा नहीं आई हूँ यहाँ पर, मैं दो से तीन दफ़ा यहाँ पर आई होंगी, वो इस वजह से क्योंकि
बस दिल ही नहीं करता, कोई ख़ास वजह नहीं है दिल नहीं करता मेरा यहाँ पे आने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है और बिल्कुल भी, एक तो होता है घर के काम वगैरह इतने ज़्यादा होते हैं, फिर खाना बनाना, बच्चों को देखना, फिर आजकल इनकी पढ़ाई भी जो है वो सब मैंने खुद ही नहीं करवानी है, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बताया है कि जो इनकी टीचर हैं वो अपने कंट्री गई हुई हैं, तो इसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि बाहर आने का बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं होता, और मुझे बिल्कुल रेस्ट चाहिए होता है इस टाइम पे। इसलिए बस बाप बेटे ही जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और मैं यही कहती हूँ कि भाई आप लोग जाओ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो आपस में, तो इसलिए। लेकिन ये था कि ना आज इन लोगों ने बहुत ज़िद्द की कि भाई मम्मा जहाँ हम जाते हैं बीच पे आप भी आज हमारे साथ वहीं पे चले, वहीं पे चले। मैं कह चलिए जी वहीं पे चलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, इतना ज़बरदस्त था, इतना पीसफुल था, और यहाँ पे हमारे से ज़्यादा एक दो लोग ही बस बैठे हुए थे और ज़्यादा कोई भी नहीं था यहाँ पर ना, तो हम काफ़ी कंफर्टेबल भी थे। यहाँ पे आते साथ ही बच्चों ने जो है वो जल्दी से कहा कि हमारे जो बॉटम है रेडी ऊपर कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो है वो पानी में जाना था थोड़ा सा, ये पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं था क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही थी, तो पानी काफ़ी पीछे ही था, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा गहरा नहीं था। वो जो अलहरा बीच का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ पर थोड़ा हमें डर लगता है, तो ये होता है कि अली पास ही रहते हैं इनके, लेकिन यहाँ का पानी इतना ज़्यादा गहरा नहीं था। और ये फैमिली बीच ही है, फैमिलीज़ के लिए ही बनाया हुआ है, किसी भी टाइम आप यहाँ पे आके जो है वो पानी में भी जा सकते हैं, नहा भी सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों ने जो है खेलना स्टार्ट कर दिया था, और ये देखिए मेरे बेबी भी आए हैं यहाँ पे शूज़ उतारने के लिए कि मेरे शूज़ उतार दीजिए, ओके। तो इनके डैडी ने जो है वो इनके शूज़ उतार दिए हैं, और ये देखिए कितने आराम आराम से जा रहे हैं, इनको डर लग रहा है पानी से, लेकिन ये पानी में ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं, ये बिल्कुल रेत पे ही रहते हैं, पानी में जस्ट वो दोनों ही जाते हैं, वो भी बस इतना ही जाते हैं कि उनके पाँव ही जो है वो पानी में होते हैं, क्योंकि उनको खुद को भी अभी ये नहा कर ये आए हैं, तो इनको खुद को भी परेशानी हो जाती है कि अब हम गंदे हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इसलिए आगे ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो इनको ये कि रेत में ही खेलने का इनको जस्ट शौक है, तो भी मैं घर जाके इनके अच्छी तरह से हाथ पांव वगैरह जो है वो वॉश करवा देती हूँ। और अच्छा यहाँ पे आके तो बच्चों का ये होता है कि बिल्कुल भी ना इनका दिल ही नहीं करता घर जाने को, हालांकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी भी है, तो मुझे भी घबराहट होना शुरू हो गई थी, अली भी कह रहे थे कि बस अब चलते हैं घर, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन बच्चों ने तो इतना रोना डाला हुआ था कि नहीं जी हम लोगों ने यहीं पर रहना है, हमने यहीं खेलना है, यहीं खेलना है। तो मैंने कहा चलिए जी आप खेल लीजिए। और ये देखिए यहाँ का व्यू इतना प्यारा था, इतना ब्यूटीफुल व्यू था, और मैं यहाँ के जो है शॉर्ट्स वगैरह भी जो है वो अपलोड कर दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। और यहाँ से तो सीरियसली मेरा खुद का भी जाने का अब दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि व्यू ही इतना प्यारा था, लेकिन जाहिर है हमें घर तो जाना ही है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 11 बज रहे थे, तो अब ये है कि हमें घर चलना चाहिए। ओके सो गाइज, मैं इसी प्यारे से ब्यूटीफुल से व्यू से मैं करती हूँ आप लोगों से टाटा बाय बाय, लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से एक नेक्स्ट व्लॉग में, या नेक्स्ट वीडियो में, या एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 गिव मी अ थम्स अप, और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।